आगे भी आगे। ये डेस्क का इस परिस्थिति देखिए, कहां बैठेंगे अब जाकर के, लड़के पीछे बैठे हैं तो यही लड़के जो आगे बैठना चाहते हैं, ये लड़के जाकर के पीछे बैठ जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लड़के और सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की प्रशासन और यहाँ के अधिकांश लोगों का एक ही मानना है कि जो लड़का पीछे बैठता है वो पढ़ने वाला नहीं होता है। तो महोदय मैं आपसे कहूंगा कि जब आगे वाली डेस्क आप सही नहीं रखेंगे तो पीछे जाके नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, आप ही बता दीजिए। अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऑफलाइन में हम लोगों का एग्जाम लेने का भी सपना देख रहा है, लेकिन महोदय मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतनी अगर ऑफलाइन में हम लोग एग्जाम देंगे तो क्या आप इसी गंदी माहौल में बैठा करके हम लोग का एग्जाम लेंगे? नहीं देंगे, खुलेआम में नहीं देंगे। अगर क्लास लेनी है तो क्लास को साफ सफाई करवाइए तब हम लोग आके पढ़ेंगे भी, और अगर ऑफलाइन का आप निर्देश भी देंगे तो ऑफलाइन देंगे भी, लेकिन मुद्दा पहले यह है कि क्लास साफ होनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को फिर से चेताना चाहूंगा और जो भी बड़े पदाधिकारी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके भी निवेदन करूंगा और साथ में चेतावनी भी दूंगा सर, कि आगे से अगर हम लोगों की क्लासें सैटरडे को नहीं चली तो ऑफलाइन में हम एग्जाम नहीं देंगे, ये खुलेआम कह रहे हैं। हेलो जी नमस्कार, मैं आपका हरिओम तिवारी। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं यार कि ऑफलाइन क्लासेज आज से क्या हुई हैं कि लगभग 14 तारीख से बहाल हो गई हैं, और 14 तारीख से क्लासें वो चल भी रही हैं और बखूबी चल रही हैं, वो आप सब भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन आज जो दिन है वो दिन क्या है, सटॉड है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शनिवार, समझ रहे हैं ना, आज शनिवार है। और नोटिस आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से आज के दिन के लिए खास करके कि आज भी हमारी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्लासेस चलेंगी, लेकिन मैं आप सभी से पूछता हूं कि आज हम लोग इस क्लास में सैटरडे को खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं क्लास भी है, क्लास में ना कोई प्रोफेसर है और ना ही कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लगभग यहाँ पे सैकड़ा की मात्रा में आए हुए थे, लगभग 100 से प्लस स्टूडेंट आए हुए थे, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब हमारे जो डेलीगेसी हैं उनका कोई अता पता नहीं है, तो लड़के उठे और कैंपस लाए और प्रोटेस्ट में जाके खड़े हो गए, और होना भी चाहिए क्योंकि जब ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारे जैसे स्टूडेंट ही इनको सुधारने का चेष्टा और पूरी तरह से मेहनत करते हैं। देखिए आज की जो मेन मुद्दा है, फर्स्ट मुद्दा क्या है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अब से जो 5 दिन की क्लासेस चल रही थी उन्हें हमने क्या किया है कि 6 दिन कर दिया है, यानी कि अब शनिवार को भी क्लासेस चलेंगी। लेकिन आज हम शनिवार को इस LLT 4 में खड़े हैं और FCI की बिल्डिंग है, और आप देख सकते हैं कि पीछे ना स्टूडेंट का पता है और ना ही प्रोफेसर साहब का, तो अब बताइए हम क्या पढ़ें। ये अगर वीडियो हमारे पता है हमें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे पदाधिकारी हमारे वीडियो को जरूर देखते हैं और वे कहीं ना कहीं हमें घेराव का भी कोशिश किया जाता है, ये मुझे अच्छे तरह से पता है। लेकिन सर अगर आप लोग देखते हैं तो आज आप ही के नोटिस पे, और आपको भी पता है कि हरिओम तिवारी जब भी बोलता है तो उसी मुद्दे पे बोलता है जो आपके द्वारा लागू और आपके द्वारा संचालित की जाती है, आप लोग ही उसे लागू करते हैं लेकिन आप लोग ही उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमें आके बोलना पड़ता है। आज की मेन मुद्दा क्या थी कि इन्होंने सैटरडे को क्लास करने का एक नोटिस जारी किया था लेकिन अभी तक वो क्लास नहीं चली है। दूसरी चीज बताएंगे, हमारे साथी भी आए हुए थे, सभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथी आए हुए थे क्लास करने, इन्होंने आकर के हमसे ये कहा है कि भैया चल के एक बार देख लीजिए कि क्लास की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है। आप देखेंगे कि इस क्लास में गंदगी की जो मात्रा है, आप हमारी भाषा में ना सुने इन्हीं की भाषा में सुने तो ये लोग ही आपको बताएंगे कि कितनी गंदगी की मात्रा है। अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऑफलाइन में हम लोगों का एग्जाम लेने का भी सपना देख रहा है, लेकिन महोदय मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतनी अगर ऑफलाइन में हम लोग एग्जाम देंगे तो क्या आप इसी गंदी माहौल में बैठा करके हम लोग एग्जाम लेंगे? नहीं देंगे, खुलेआम में नहीं देंगे। अगर क्लास लेनी है तो क्लास को साफ सफाई करवाइए तब हम लोग आके पढ़ेंगे भी, और अगर ऑफलाइन का आप निर्देश भी देंगे तो ऑफलाइन देंगे भी,
लेकिन मुद्दा पहले यह है कि क्लास साफ होनी चाहिए। हमारे कुछ साथी हैं, आपसे बताएंगे कि आज ये सैटरडे को ये लड़का आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर दूर से आया हुआ है, 20 किलोमीटर दूर। पता है 20 किलोमीटर दूर के आने से क्या फायदा है कि जब आज क्लास ही नहीं चली है, बताइए अपना। बिल्कुल भाई, मैं 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ आज की क्लास लेने के लिए। पता चला संस्कृत डिपार्टमेंट की क्लास तो चली, उसके बाद पॉलिटी की नहीं चली, ना ही ये सब इतने लापरवाह यहाँ का प्रशासन हो गया है कि ग्रुप में एक सूचना तक नहीं दे सकते कि आज क्लास नहीं चलेगी, बच्चे अपने हिसाब से मैनेज कर दें। पहले ग्रुप पे बताया जाता है कि शनिवार तक क्लासेस चलेंगी, फिर यहाँ पर बच्चे आते हैं तो क्लास का एक रुख रहता है, प्रोफेसर कहीं है, बच्चे आकर परेशान हो रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, और समय कितना लिमिटेड है, सिर्फ 2 महीने का समय है, ले दे करके कितनी लिमिटेड क्लासें बची हैं हम लोगों के पास। परीक्षा ये लोग ऑफलाइन लेने पर जुटे हुए हैं कि हम ऑफलाइन ही क्लास परीक्षा लेंगे, उसके बाद भी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं सुधार रहे हैं कि जितना समय बचा है उसमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाए बच्चों को, इस थोड़े से समय में इतना अच्छी क्वांटिटी में, इतना अच्छी क्वालिटी में पढ़ाई को बच्चों तक प्रदान किया जाए, वो अच्छे से परीक्षा दे पाएं। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों की लापरवाही बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ प्रशासन यहाँ पर है। सही है, अब आप तो आपने बताया क्या प्रॉब्लम है। मैं बिहार पश्चिम चंपारण से हूँ, इतनी दूर आया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बस ये था कि प्रोफेसर से अच्छे से क्लास करना है, लेकिन यहाँ शेड्यूल जारी होता है शनिवार तक और प्रोफेसर आता पता नहीं होता, और क्लासेज इतनी गंदी रहती हैं कि कोई आके बैठ के पढ़ने का मन नहीं करेगा किसी का। इतनी दूर से आके ये क्लासेज इतनी गंदी रहेंगी तो कोई कैसे पढ़ेगा, बताइए। ये यहाँ की पहली मुद्दा है। आपके आगे की क्या समस्या थी? यहाँ सब जो टीचर, बताइए टीचर वगैरह जो सब सारे सभी बोलते हैं कि पंक्चुअल रहो, अपना खुद तो पंक्चुअल नहीं रहते और सबको बताते हैं पंक्चुअल रहो, ये पंक्चुअलिटी हमारे अंदर कैसे लाएंगे बताइए। इनका मेन मुद्दा कहने का ये है कि जब वो खुद अपनी ही बातों को कह करके फॉलो नहीं कर पाते हैं, और आप सभी को भी पता है कि मैं तभी आता हूं जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कोई नोटिस जारी करे और उस नोटिस का पालन ना हो तो मैं हमेशा आता हूं और बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरी यही आवाज है और मैं अपने आवाज को दबने नहीं दूंगा। और सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, और हाल में क्लास तो चला दी लेकिन क्लास की गंदगी इतना ज्यादा है कि क्या किया जाए। अभी हम लोग खड़े हैं, मैं आपको अभी क्लास भी दिखाता हूं। अभी हम लोग खड़े हैं, ये लास्ट डेस्क है, आप देखेंगे इसमें गंदगी, इतने कबूतरों का ये घर बसेरा था। अभी तक इस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मेन मुद्दा मैं बताऊं, FCI बिल्डिंग को ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में आप देखेंगे कबूतरों का बहुत बड़ा डेरा है, कचड़ा है, तब मैं कहां से समझूं कि ये सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छी ये क्लासेस है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को फिर से चेताना चाहूंगा, और जो भी बड़े पदाधिकारी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके भी निवेदन करूंगा और साथ में चेतावनी भी दूंगा सर, कि आगे से अगर हम लोगों की क्लासें सैटरडे को नहीं चली तो ऑफलाइन में हम एग्जाम नहीं देंगे, ये खुलेआम कह रहे हैं। हम लोगों के बलिदान पर यूनिवर्सिटी खुल रही है, इस बैच का एक एक बच्चा का बलिदान है, क्योंकि हमारी परसेंटेज डाउन हुई ऑफलाइन क्लासेस होगी तो परीक्षा कर लेंगे, तो हमारे बलिदान में साल भर ये लोग ऑनलाइन क्लासेस करवाए, पढ़ाई के एक अच्छा नहीं चली, लामिनेट पढ़ाकर सब कोर्स कवर किए हैं, और जो ले देकर बच्चा समय 2 महीने उसमें भी ढंग से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, और परीक्षा सब तुले हुए कि हम परीक्षा लेकर रहेंगे। इसलिए हम सबके जितने बच्चे इस सबके बलिदान पर यूनिवर्सिटी फिर से ये लोग रिस्टार्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का बलिदान हो, भविष्य में जब हम कहीं पर बीएड करें, कहीं पर टेट करें, हमारी मेरिट की जहां पर बात है तो हम सब पिछड़ जाएं, और सब जो बच्चे प्रमोट होकर के अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आगे बढ़े हैं वो सब हम लोगों से कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे और हम सब पीछे ही रह जाएंगे। ये देखिए, ये एक युवा की ललकार है और एक युवा की बात है। तो फिर से मैं अब लास्ट में जाते जाते इस बात को मैं पूरा खुलेआम से बोल दे रहा हूं कि माननीय जो भी हमारे पदाधिकारी महोदय और जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे विनम्र निवेदन है और पूरी तरह से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी करूंगा और साथ में चेता के भी आप सभी से कहूंगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं, आगे से अगर हमारी क्लास की साफ सफाई नहीं की गई और साथ में आपने अगर सैटरडे को हमारी क्लास सही से नहीं चलवाया तो ये तय करके मैं खुद कह रहा हूं कि ऑफलाइन एग्जाम आप सभी के बस की बात नहीं होगी, ये पूरा खुलेआम चेतावनी है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, और अगर आप सभी भी हम लोग का सपोर्ट करना चाहें तो जरूर सपोर्ट कीजिए। अब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन दुबे है और मैं आजमगढ़ जिला से आया हूँ। मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता है और मैं बिहार पश्चिम चंपारण का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गोंडा से। चलिए, और आप तो हमें जानते हैं हम कहाँ से हैं, आप सबको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, भाई ने हमारे जैसे कहा कि क्लास दिखा दें, क्योंकि क्लास की क्या स्थिति है, चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं।
हालत और बदतर थे। आज सटर्डे है, एक दिन के पास आपका समय है और वो क्लास पूरी तरह से चलनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप सभी का धन्यवाद।